हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में कि क्यों हम जो है एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है, उसका हमने क्या किया, प्रॉब्लम का सलूशन क्या होता है, प्रोग्राम। तो डायरेक्टली हम प्रोग्राम क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों हम एल्गोरिथम पहले लिखते हैं उसकी फिर एनालिसिस करके फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि प्रोग्राम जब भी हम लिखेंगे ना, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो वेरी करता है। सेम प्रोग्राम अगर हम सी में लिखेंगे तो उसका जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम आएगा वो कुछ आएगा, पाइथन में लिखेंगे तो कुछ डिफरेंट आएगा, जावा में लिखेंगे तो डिफरेंट आएगा। यानी क्या हो रहा है, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिपेंड करती है। दूसरा है कि हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है कि हम किस पर्टिकुलर हार्डवेयर, यानी कोई एक प्रोग्राम है उसको हम सिंपल अगर कोई एक जो है पेंटियम 4 पे लिख रहे हैं या कोई i9 पे लिख रहे हैं या सुपर कंप्यूटर लिख रहे हैं तो वहाँ भी वेरी करता रहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई प्रॉब्लम होगी उससे करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम लिखेंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसको हम चेक करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, यानी एक प्रॉब्लम का सपोज दैट हमारे पास 4 एल्गोरिथम मिले, अब हमें क्या करना, उन चारों एल्गोरिथम में से कोई एक बेस्ट पिक करना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। मतलब कोई अगर एक प्रॉब्लम है, ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सॉल्यूशन मिले, मतलब एल्गोरिथम A1, A2, A3 एंड A4, ये 4 सॉल्यूशन हमको मिल गए, 4 एल्गोरिथम। अब क्या होगा, इन चारों में से कोई ना कोई एक हम इसमें पिक करेंगे जो हमारा बेस्ट एल्गोरिथम होगा। तो अब जो है क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम है जो बेस्ट है। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जिस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी वो हम पिक करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसके बाद देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन टाइम दोनों सेम नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। खैर, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एग्जीक्यूशन टाइम एग्जैक्टली क्या होता है। तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मिले, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक सॉल्यूशन पिक करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली वो देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स काउंट द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन और स्टेप्स एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट साइज। कोई भी एक एल्गोरिथम होगा उसको हमने कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इनपुट के फॉर्म में आती है, या फंक्शन ऑफ। अब यहाँ हम जो कैलकुलेट करेंगे वो एग्जीक्यूशन या नैनो सेकेंड या जो है मिली सेकेंड या सेकेंड में नहीं आएगा, वो क्या होगा, एक फंक्शन मिलेगा जो कि इनपुट साइज के फॉर्म में होगा। जैसे अगर मान लो एक प्रॉब्लम है, इसको हम एज अ इनपुट एन दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, एन का मतलब ये कि एन क्या है आपकी इनपुट की साइज़। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे है, एरे में 100 एलिमेंट्स है तो इनपुट की साइज़ कितनी होगी, 100। एन की वैल्यू अगर एरे में टोटल एलिमेंट 1000 तो इनपुट की साइज़ कितनी हो जाएगी, 1000, राइट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या होगी, इनपुट साइज़ के फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की बात करें, ये एक एल्गोरिथम है, इसका सोल्यूशन आया सपोज दैट इसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं, एन स्टेप्स, राइट, और इसमें कितने आ रहे हैं, n स्क्वायर स्टेप। फॉर एग्जांपल ये क्या आ रहा है आपका, n क्यूब स्टेप, ये आ रहा है 2 to the power n स्टेप्स। तो ये जो n है वो इनपुट का साइज है, तो जो भी एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या होगी, इनपुट के इनपुट साइज के फॉर्म में आएगी, राइट। तो अब क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो मिनिमम होंगे, राइट। तो क्या ये हमें टाइम या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम होती है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिख लेते हैं, राइट। तो एनालिसिस के रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर एग्जांपल अगर इन चारों में से देखा जाए तो बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें एन स्टेप्स लग रहे हैं, एन स्क्वायर उससे ज़्यादा, देन एन क्यूब उससे ज़्यादा है, 2 to the power n सबसे ज़्यादा। तो अगर इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग किसी ने एल्गोरिथम लिखा और ये पिक कर लिया इसको 2 to the power n को, और इसको जो है जब हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 to the power n। सपोज दैट एक स्टेप एग्जीक्यूट करने में, यानी जो भी एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, या कह सकते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या है बेसिकली, कोई भी अगर एक प्रॉब्लम है उसको हमने क्या किया, कंप्यूटर को दिया, ओके। तो इसमें जो भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस होंगे वो दो तरीके के हैं, ठीक है, मेनली दो तरीके होते हैं। पहला जो है वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है और दूसरा क्या है आपका डेटा ट्रांसफर। ये दो जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन, सॉरी,
दो जो है प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक में, कि एडिशन कैसे परफॉर्म करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं अर्थमेटिक। डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है कि अगर मान लो जैसे रजिस्टर से हमने क्या किया, मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र किया, मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या करें ये सारे स्टेप्स यानी जितने भी प्रिमिटिव स्टेप्स होंगे वो हम एल्गोरिथम का काउंट करेंगे और उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेंगे। अब मान लो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग हमारा सोल्यूशन यानी जो एल्गोरिथम मिला उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n, और अगर हम ये एज्यूम करें कि एक प्रिमिटिव जो ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट करने में 1 unit ऑफ टाइम लग रहा है, राइट, 1 unit ऑफ टाइम, 1 unit, राइट। तो 1 unit का मतलब यहाँ ये है कि जितने भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस होंगे वो क्या होंगे, 1 unit ऑफ टाइम लगेगा। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो 1 unit ऑफ टाइम, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, वो क्या होगा, 1 unit ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास इतने फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं लाइक सुपर कंप्यूटर, तो क्या हमें ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हाँ अगर किसी के में n स्टेप्स आ रहे हैं, n स्क्वायर, n क्यूब स्टेप्स आ रहे हैं, 2 to the power n स्टेप्स आ रहे हैं, क्या ये हमें ठीक है रियली मैटर करता है? येस। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, अगर हमने पिक किया A4 क्योंकि इन चारों में बेस्ट कौन सा है, A1, लेकिन अगर हम डायरेक्टली क्या करें इसको इंप्लीमेंट करें, इसका एल्गोरिथम आया 2 to the power n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 power n या n क्यूब आई है, अभी इस जो है क्या नाम है इस कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में। लेकिन 2 to the power n अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला और इसको हमने एज अ इनपुट, सपोज दैट साइज ऑफ इनपुट हमने क्या दे दिया, 1000, राइट, 1000 क्या आपका इनपुट साइज है, तो ये एल्गोरिथम हम ये एज्यूम करें कि 1000 एज अ इनपुट साइज है, तो एक जो है स्टेप्स जो यानी 1000 स्टेप है ये 1000 स्टेप्स, तो एक स्टेप परफॉर्म करने में 1 unit ऑफ टाइम लग रहा है, राइट, मतलब 1 step दैट मीन्स 1 unit ऑफ टाइम। तो अगर हमारे पास जो एल्गोरिथम है 2 to the power n जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो क्या होगा, 2 to the power n स्टेप्स, तो मतलब इसको एग्जीक्यूट होने में कितना लगेगा, 2 to the power n into 1 unit ऑफ टाइम। अब अगर सपोज दैट हम इसे इंप्लीमेंट करें सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर पे, राइट, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर पे भी अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 1 unit ऑफ टाइम मतलब ये कि अगर कोई भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में फॉर एग्जांपल 1 nanosecond लग रहा है, कितना, 1 nanosecond, तो 1 nanosecond आई थिंक 10 to the power minus 9 seconds होता है। तो अब देखते हैं कि इस एल्गोरिथम की जो टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम आएगा वो क्या आएगा एग्जैक्टली। तो अगर सपोज दैट हम इनपुट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 400, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 400 मल्टीप्लाइड बाई 1 unit ऑफ टाइम, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में 10 to the power minus 9 seconds लग रहा है, ये हो गया। तो 2 to the power 400 बहुत बड़ा नंबर होता है, 2 to the power 400 मीन्स मतलब इसको काउंट भी नहीं कर सकते इतना नंबर होता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ये मिलियन ईयर से भी ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब देखो, अगर कोई एक एल्गोरिथम जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिली 2 to the power n प्रिमिटिव ऑपरेशंस और 2 to the power n स्टेप्स, अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हर एक स्टेप हमने ये एज्यूम किया कि 1 unit ऑफ टाइम लग रहा है, 1 unit अगर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर 10 to the power minus 9 या अगर बात करें 10 to the power minus 12 seconds लग रहा है, तो क्या होगा इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो आएगा n क्या है, n क्या है यहाँ पे जो इनपुट साइज वो सिर्फ कितना है 400, जबकि हमें बहुत बड़ी वैल्यू पे ये चीज़ करनी है, यानी n की वैल्यू जो है बहुत ही है। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल है, n की वैल्यू 400 पे इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है वो मिलियन से भी ज़्यादा है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, खैर इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा आएगी, ओके। इसलिए जो है एनालिसिस वो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उसकी क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा यानी बेस्ट जो एल्गोरिथम होगा तो बेस्ट कौन सा होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, जैसे इन चारों में सबसे कम कौन सी है, एन है, राइट। तो एन जो है इसको हम पिक करेंगे, उसके बाद इसको क्योंकि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन में बेस्ट आई तो इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अगर किसी एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही एल्गोरिथम मिला यानी एक सॉल्यूशन मिला है तो क्या हम उसको भी एनालाइज करेंगे, यस, क्योंकि अगर मान लो इसका सोल्यूशन हमें 2 to the power n ही मिल गया, बहुत से ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, मिलियस, राइट। तो इसलिए जो है एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जो एल्गोरिथम मिल रहा है उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे अभी और डिटेल में। तो अभी तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, अब देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी n और n स्क्वायर n क्यूब 2 to the power n स्टेप ये कैसे कैलकुलेट किया। एक छोटा सा हमने यहाँ कोड लिखा है, इसको देखते हैं
कि कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. तो ये क्या है, ये सारे क्या है, फंक्शन है, एन एन स्क्वायर एन क्यूब टू टू द पावर एन, ये सारे फंक्शन है जो कि इनपुट साइज के फॉर्म यानी एन के फॉर्म में आ रहा है. तो अब ये एक छोटा सा कोड है, इसको देखते हैं. तो सबसे पहला क्या है, एवरेज एक फंक्शन है, ये ए एक एरे है जिसमें हमने पास कराया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एन, तो इस एरे की साइज कितनी है एन. सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या हो रहा है, हमें ये एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, राइट. तो पहले क्या हुआ, सम, क्योंकि सम में हम क्या करेंगे, पहले इनिशियली हमने जीरो इनिशियलाइज किया. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया. तो असाइनमेंट ऑपरेटर को मान लो एग्जीक्यूट होने में वन यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो वन यूनिट ऑफ टाइम ये लगेगा, ओके. तो वन यूनिट ऑफ टाइम यहाँ लगा. नेक्स्ट आपका लूप आया, तो लूप में क्या हो रहा है, यहाँ भी एक असाइनमेंट हो रहा है, राइट. और उसके बाद यहाँ एक आपका क्या हो रहा है, कंडीशन चेकिंग हो रही है, और यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है. तो यहाँ जो जो ऑपरेशन यानी प्रिमेटिव ऑपरेशन या स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, ये कितनी बार होगा, वन टाइम. ये कितनी बार होगा, जितनी एन की वैल्यू होगी, ओके. ये एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये कंडीशन चेकिंग कितनी बार होगी, एन, इवन एन प्लस वन. और आई प्लस प्लस कितना होगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, एन पर डिपेंड कर रही है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या हो रहा है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ कंडीशन चेकिंग, यहाँ क्या हो रहा है आपका इंक्रीमेंट. तो ये एन टाइम्स हो रहा है, ये एन टाइम्स हो रहा है टू एन, और ये क्या हो रहा है आपका एक बार हो रहा है, राइट. तो यानी टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस वन यहाँ सिंपली क्या करें, वन को सिंपली एक कॉन्स्टेंट लिख दे रहे हैं, यानी वन एक कॉन्स्टेंट टाइम है. यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ एन, राइट. मतलब टू एन प्लस वन को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लाइड बाई एन लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. अब यहाँ ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट भी इस लूप पे डिपेंड कर रहा है. लूप पे डिपेंड करना मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, राइट. यहाँ जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एरे से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, सम में ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को सम में असाइन कर रहे हैं. तो मतलब अर्थमेटिक जो मतलब जो बेसिक प्रिमेटिव ऑपरेशन है, ये असाइनमेंट हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और यहाँ हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तीन जो है ऑपरेशन हो रहे हैं. लेकिन ये कितनी बार हो रहा है वो n पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ भी क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ n, राइट. कांस्टेंट मतलब जो दो थ्री को हम सीधे क्या करें, कांस्टेंट्स लिख रहे हैं. उसके बाद जब ये लूप इटरेट होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सम की वैल्यू हमें मिल चुकी है इसमें, और उसके बाद नंबर ऑफ n जो एरे की साइज थी उससे डिवाइड कर दिया. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक डिविजन ऑपरेशन, उसके बाद क्या हो रहा है, असाइनमेंट होगा. ये कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि लूप से जब बाहर आएंगे तो ये आपको सम डिवाइडेड बाय एन, ये एक बार हुआ, उसके बाद इसका असाइनमेंट. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम यहाँ भी लग रहा है, ओके. यानी अगर दो ऑपरेशन है तो उसको भी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या मिलेगा, इन सबको क्या करेंगे, सम कर लेंगे. तो हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री एन प्लस सी फोर. तो हमें क्या मिला, एक पॉलीनोमियल मिल रहा है, राइट. तो अब देखेंगे जो हमें पॉलम जो इक्वेशन मिले यानी जो फंक्शन मिला वो किसके साइज में, किसके टर्म में मिला है, इनपुट साइज के टर्म में मिला है, राइट. तो इस पूरे यानी ये क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी इस तरह के प्रॉब्लम्स, और हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये लिख रहे हैं. तो सिंपली क्या है, जो हमें ये पॉलिनोमियल मिला है सिंपली क्या करेंगे, उसकी डिग्री कैलकुलेट करें, यानी इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ये क्या है, कॉन्स्टेंट. ये भी कॉन्स्टेंट है, हाईएस्ट डिग्री क्या हो रही है, वो आपकी एन हो रही है. तो सिंपली क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एन, यानी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल. ये क्या है आपका, लीनियर है. तो अभी ये कैसे कैलकुलेट किए, ये क्या है आपका लीनियर टाइम, जो ये एल्गोरिथम है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो क्या आ रही है, लीनियर टाइम, राइट. वैसे ये कॉन्स्टेंट जो है बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं करें, बट ये हम सिंपली क्या करें, कॉन्स्टेंट मैटर नहीं करेगा जब हम एन की वैल्यू को बहुत लार्ज करेंगे. कैसे ये आ रहा है और कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, फिर अभी और एक दो टर्म इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. सिर्फ बेसिक ओवरव्यू क्या था, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एल्गोरिथम की वो क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं, क्यों वो ज़रूरी है, अगर किसी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशन मिले या सिंगल सोल्यूशन मिले तो उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, और क्या है प्रिमिटिव ऑपरेशंस, और कैसे स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और कौन कौन से जो है प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं, ये था इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव.